नमस्कार बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गया के मां मंगला गौरी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा की गई। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिनके जल्द स्वस्थ होने की कामना और बिहार में कोरोना से जल्द मुक्त होने के लिए पूजा की गई। गया के शक्तिपीठ पालन पीठ कहे जाने वाले मंगला गौरी मंदिर में विशेष पूजा पाठ हवन जदयू नेता चंदन यादव के नेतृत्व में की गई। जैसा कि हम सभी अभी जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी से हम लोग लगातार लड़ रहे थे। एक नई वायरस ओमिक्रॉन आ गया है, जिससे कि पूरी देश और दुनिया प्रभावित हो रही है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के भी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कई ऐसे बिहारवासी और देशवासी हैं जो कि इस भयानक महामारी से पीड़ित हैं। उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए हम लोग गयावासी हैं, तो हम लोग माँ मंगला माई के शक्तिपीठ में आकर के और अपना माथा टेके हैं और पूरा विधिवत से जो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो पूजा अर्चना होती है, हवन होता है, वो हम लोगों ने किया है। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी का जन्मदिन केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उनके नेतृत्व में प्रभारी काल में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत हुआ है। आज जनता का जो ज्वलंत समस्या है उसको लेकर और देश बचाने के लिए जो प्रियंका गांधी संकल्प ली है, राजनीति में आई है, हमारी मंगल कामना है, शुभकामना है। उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत उनको हार्दिक बधाई। मधुबनी के बेनीपट्टी मुख्यालय के कटैया रोड में संचालित डॉक्टर नीलांबर चौधरी महाविद्यालय में बीएससीबी उच्च माध्यमिक के दिशा निर्देश के आलोक में कदाचार मुक्त माहौल में इंटर तीनों संकायों की वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर राम नारायण झा और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर महानंद झा ने बताया कि परीक्षा में मनोविज्ञान के 95, भौतिकी के 80, गृह विज्ञान के 91 और रसायन शास्त्र के 80 सहित कुल 346 परीक्षार्थी प्रायोगिक परीक्षा में भाग ले रहे हैं। गया शहर के नूतन नगर के पास एक निजी क्लिनिक के चिकित्सक और समाजसेवी डॉक्टर दीप शिखा काव्य और नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान और साथ ही डेप्यूटी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने 20 दिव्यांग लोगों के बीच कंबल, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किया। डॉक्टर मनोचिकित्सक डॉक्टर दीप शिखा काव्य के तरफ से आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें डॉक्टर दीप शिखा ने जिला अध्यक्ष और हमारे शहर के माननीय मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब को उपस्थित करके हम लोग सारे दिव्यांग लोग को कंबल वितरण इस ठंडे में किए। बढ़ती ठंड को देखते हुए आज हमने दिव्यांगों के बीच में कंबल बांटा है, मास्क और सैनिटाइजर बांटा है और इसी तरह के कार्य मैं अभी और करते रहूँगी। हमारे जो लोग हैं इस तरह के कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। खबर सासाराम से है, जहां सासाराम के सदर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। बताया गया कि महिला कई गंभीर रोगों से ग्रसित थी। वहीं इस घटना के बाद महिला के परिजनों में मातम छा गया। ऑपरेशन थिएटर में इलाज करने वाले डॉक्टर शशि प्रभाकर ने बताया कि महिला मल्टीपल डिजीज से ग्रसित थी और ऑपरेशन से पहले ही दौड़ा पड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। वो महिला डिलीवरी होने वाली थी, डिलीवरी था, उसको तबीयत खराब था। वो उसका मैंने देखी, डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया गया कि ऑपरेशन होना चाहिए। वो ऑपरेशन रूम में गई लेकिन उसको कन्वल्सन होने लगा, मतलब कि मिर्गी बीमारी होने लगा, एक लैम्पटिक फिक्स कहते हैं जिसको, जो प्रेगनेंसी में होता है, एक्लैम्पसिया कहते हैं। उसका इलाज होना शुरू हुआ लेकिन इलाज के दौरान ही मर गई, बचाया नहीं। ऑपरेशन से पहले कुछ हुआ ही नहीं था। मधुबनी में जिलाधिकारी अमित कुमार ने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर रामपट्टी का मुआयना कर कोरोना मरीजों को मिल रही सारी सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में दवाइयों और इलाज के लिए उपयोगी मशीनों की उपलब्धता की पड़ताल भी की। इस मौके पर एसएसपी के जवान ने जिलाधिकारी को गिटार बजाकर हिंदी और मैथिली गीत सुनाया। फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बच
कटिए रतियों का नींद न कटाए गलिया मान पड़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।